हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय समर गार्डन। एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस बास्केट प्लांट के बारे में। सो फ्रेंड्स, गौर से देखिए, प्लास्टिक जैसे कड़क एंड मोटे पत्ती वाला एंड ऐसे ही स्टार शेप दिखने वाला ये है बास्केट प्लांट, जिसे हम कैलिसिया फ्रैग्रेंस और फॉल्स ब्रोमेलियड के नाम में भी जानते हैं। तो इसे क्यों चूज करें हमारे गार्डन के लिए, जानने से पहले आइए देखें किस तरह से हम अपने घर और गार्डन को इसी से डेकोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ कलरफुल फाइबर पॉट्स में मैंने इसे कैसे लगाया है एंड ये स्टैंड के ऊपर ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। घर के फ्रंट डेकोरेशन के लिए आप इसे इस तरह से अल्टरनेट करके रख सकते हैं। और यहाँ मैं करी हूँ अपना बरंडा डेकोरेशन। आप चाहे तो इसे हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा के इस तरह से आपके रेलिंग्स को भी डेकोरेट कर सकते हैं। एनी मिनिएचर प्लांटर में भी ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। यहाँ पर देखिए ये रैबिट प्लांटर और यहाँ ये पाइनएप्पल सेप्ट के ये प्लांटर में मैं इसे लगा रखी हूँ। इस टाइप के व्हाइट पॉट्स में लगा के स्टैंड के ऊपर भी आप इसे रख सकते हैं। और मैंने कैसे इसे साइकिल स्टैंड में सजाकर लॉन के ऊपर रखी हूँ आप देख सकते हैं। आप जानते हैं इसे हम क्यों चूज करें, तो देखिए इतनी कड़ी धूप में भी अभी ये समर्स में ये प्लांट मेरे गार्डन को कैसे ग्रीन सा लुक दे रहा है। इसे आप एनी सीजन लगा सकते हैं। ज्यादा धूप में और कम धूप में भी ये बास्केट प्लांट सर्वाइव कर जाता है। और इसे ना तो ज्यादा पानी चाहिए ना ही कम। इसे आप अल्टरनेट डेज अगर वाटरिंग करते हैं तब भी ये आसानी से लग जाता है। ये बास्केट प्लांट इजीली ग्रो करता रहता है और किसी साइज के पॉट्स में आप इसको लगा सकते हैं। किसी को गिफ्ट करने के लिए ये पौधा बहुत ही अच्छा है। बहुत ही आसानी से आप इसे प्रोपागेट कर सकते हैं। नॉर्मल गार्डन सॉइल लेकर आप इस तरह के बेबी प्लांट्स पौधे से जो निकलता है उसे लेके आप इसे जितना भी चाहे उतना मल्टीप्लाई करके ज्यादा पौधा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने गार्डन को ये कैलिसिया फ्रैग्रेंस यानी बास्केट प्लांट से जरूर सजाए। और इसमें फ्लावरिंग कैसी होती है जानने के लिए मेरी अपकमिंग वीडियोस को आप जरूर देखते रहे। हैप्पी समर गार्डनिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।